नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल पी एच टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार नियोजित शिक्षक अपडेट्स। बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, सभी नियोजित शिक्षक करें ये काम। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राजकर्मी का दर्जा। दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाले हैं जो मुख्यमंत्री साहब ने क्या फैसला लिए हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो सभी शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा, आपको क्या काम करना है, सो आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों आज का पेपर है, अगर पेपर आप पढ़ते हैं तो आज का पेपर में दिया हुआ है, देख लीजिए आप, दैनिक भास्कर का है पेपर। मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेताओं के साथ 5 को करेंगे बैठक। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है राजकर्मी का दर्जा। दर्जा देने की घोषणा 15 को गांधी मैदान में हो सकती है। चलिए आगे हम पूरा बताते हैं क्या है अपडेट। आगे देख लीजिए दोस्तों, राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को महागठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही राजकर्मी का दर्जा देने संबंधी निर्णय पर सहमति बन जाएगी। अभी जो नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के बाद वेतन मद में बहुत अधिक भार नहीं पड़ेगा। राजकर्मी का दर्जा दिए जाने पर राज्य सरकार बजट पर लगभग 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों की EPF देख लीजिए आगे है। EPF के तहत राशि कट रही है। राजकर्मी होने पर न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाएंगे, इसी मद में राशि खर्च बढ़ेगा। राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ भी वेतन में वृद्धि किए बगैर राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा मिलने पर नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई से बाहर आकर जिला स्तर के शिक्षक हो जाएंगे, इससे शिक्षकों को हस्तांतरण में लाभ होगा। 34,540 शिक्षकों की तरह ही इन शिक्षकों को एक बार जिला स्तरांतर तबादला का भी मौका मिलेगा। आगे देख लीजिए आगे क्या दिया गया है। 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक संघ मोर्चा बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा है शिक्षक की मांग पर सरकार गंभीर है। तो दोस्तों देख लीजिए, कल सहमति बन सकती है। अगर राजकर्मी को दिया दर्जा दिया जाता है तो 4 लाख टीचर को मौका मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। देख लीजिए और क्या क्या मिलने वाला है, सो देख लीजिए नीचे। तो नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे। दर्जा मिलने पर क्या, राजकर्मी का दर्जा मिलने पर लगभग 9300 नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे। यह शिक्षक नियोजन इकाई के नहीं बल्कि जिला स्तर के होंगे। नियोक्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी माने जाएंगे। जिला स्तर पर आगे देख लीजिए, बल्कि जिला आके होंगे। नियोक्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी माने जाएंगे। जिला स्तर पर तबादले का मौका मिलेगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, अभी यह व्यवस्था है, सभी नियोजित शिक्षक राज्यभर के लगभग 9300 नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित है। एक दूसरे नियोजन इकाई में भी तबादला का मौका EPF के तहत राशि कटती है। राजकर्मी को मिलने वाली सुविधा भी नहीं। तो दोस्तों देख लीजिए, वित्त मंत्री भी बोले हैं जो सरकार गंभीर है और नीतीश कुमार खुद बोले हैं। देख लीजिए, कल सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा सभी स्टूडेंट, जो भी 4 लाख हम शिक्षक कर्मी हैं, स्टूडेंट हैं, सभी को दिया जाएगा राजकर्मी का दर्जा। जैसे ही राजकर्मी का दर्जा अगर मिल जाता है तो दोस्तों बहुत फायदा होगा। पेमेंट में भी बढ़ोतरी होगी, सभी कुछ में बढ़ोतरी होगी और जिला स्तर पर तबादला का भी मौका मिलेगा। जो अभी EPF कट रहा है वो भी थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी बता दी है। कल बैठक के बाद क्या अपडेट निकल के आती है, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी जो अपडेट निकल के आई है हम आपके लिए शेयर किए। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि 4 लाख
शिक्षा की बात है, जैसे ही विभाग की तरफ से राजकर्मी का दर्जा दिया जाता है, इस पर सहमति बनती है, मोहर लगता है, तो हम फिर से एक फ्रेश वीडियो बनाकर हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।